शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नोच लूं तेरी आंखें, काट लूं तेरी जीभ, ये काम मैं एक चुटकी में कर सकता हूं। तेरी चीख कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उस वक्त तेरी कटी हुई जीभ मेरे हाथों में होगी। मुझसे क्या गलती होगी महाराज, मैंने क्या किया? बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है, बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है। तेरा काम है मर्दों के साथ बिस्तर पे चढ़ना। साइकिल पे चढ़ना नहीं। यहां मेरी मर्जी के खिलाफ धूल भी अपनी जगह नहीं बदलती। माफी दे दो महाराज, हमसे गलती हो गई, आपसे पूछे बगैर कभी ना करे, कभी ना करे महाराज, हमसे गलती हो गई, माफी, गलती हो गई, गलती हो गई। साली कुतिया, वो डकिया एक ऐसा इंसान है जिसने भुवन पंडा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, वो भी भरी सभा में, जिस पवित्र जगह से भगवान की तरह मैं अपना राज चलाता हूं। बड़ी सुसुरी हो रही है ना, बड़ी सुसुरी हो रही है, तो यहां नुचवा लाल बत्ती में अपने बिस्तर पे, हाँ, अपने बिस्तर पे। माता को छुआ, बाहर फेंक दो इसे। महाराज गलती हो गई महाराज, कहां ले जा रहे हो इनको? महाराज दीदी सुनिए, दीदी हमका बचाओ, ये गलत हो रहा है, गलती हो गई महाराज, ये ठीक नहीं हो रहा है। देवी माँ तो सबकी माँ है, उनके पास जाने से, उनकी पूजा करने से आप किसी को रोकिए मत। आप तो इस मंदिर के धर्माधिकारी हैं, किसी भक्त को भगवान से दूर करते आपको शोभा नहीं देता। हमारी शोभा हमारी परंपरा है, और परंपरा रंगपुर का प्रतीक है। इस अधर्मी ने उसका उल्लंघन करके हमारे महोत्सव में विघ्न डाला है। अपमान क्या है हमारे अधिकार का? ये कोई आवरण नहीं जिसे बदला जाए, आत्मा है, युगों युगों से और युगों युगों तक विद्यमान रहेगा। इसलिए कि यहां कोई पढ़ा लिखा नहीं है, धर्म को यहाँ लोग ग्रंथों के जरिए नहीं बल्कि आपकी बनाई परंपराओं के जरिए जानते हैं, जो कि असल में एक ढकोसला है। वरना समाज में आज समानता क्यों नहीं? एक तरफ तो आप औरत की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसकी इज्जत तक नहीं करते, जबकि देवी माँ भी एक औरत है और यही एक वैश्या भी। आप सब हमारी एक बात सुनिए, मत लीजिए किसी असहाय की हाय, आपकी हस्ती मिटा सकती है ये। ए! चुप हो जा डाकिया। बसंती के साथ ऐसा वैश्याना व्यवहार और हम चुप हो जाएं? जो दिन के उजाले में भगवान बने बैठे हैं, वो रात के अंधेरे में क्या क्या नहीं करते। क्रांति, क्रांति लाना चाहता है। मक्खन उबालने से आपका हाथ गिना जाएगा, दया करे भूल जाए महाराज। समझा दे इस बेचारिणी को, कोई शहरी कोई डकिया अगर मेरे रास्ते से भी गुजराना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये काहे नहीं लड़की समझती, हा? ये काहे नहीं समझती, धंधा तक बस, धंधा तक, उसके आगे कुछ नहीं।
आज के बाद अगर तू उससे बात करने की भी कोशिश की ना तो मैं तेरी आंखें निकालकर हाथ काटकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, धंधा बंद कर दूंगा मैं। अरे ये काहे नहीं समझती? हम उनकी शान के लिए नहीं आपके जीवन के लिए कह रहे हैं। पैरों पे गिर के सही, लेकिन भुवन पंडा से माफी जरूर मांग लीजिएगा। आप हमें सलाह मत दें, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए आप। अरे हमरी का मजाल जो आपको समझाने की कोशिश करें। पर एक बात है छोटे डाक बाबू, फिल्मी दुनिया और रंगपुर में बहुत फर्क है। वहाँ तो आखिर में हीरो जीतता है और यहाँ हर हाल में जीत पंडों की होती है। भले ही रंगपुर इस दुनिया से अलग हो मगर भगवान की नजरों से ओझल नहीं है, इसलिए सही और गलत का फैसला चिंटू वो एक ना एक दिन जरूर करेंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, करने दीजिए ना फैसला, आपका है बीच में कूद रहे हैं। फैसला न्याय ये सब भगवान करते होंगे, हमको एतराज नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ देखते आ रहे हैं ना, यहाँ शादी हो या श्राद्ध हर बात पर एकाधिकार भुवन पंडा का ही है। चिंटू आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया, भुवन पंडा यहाँ का पुजारी है, इसलिए भगवान की पूजा करें, खुद भगवान बनने की कोशिश ना करें। भुवन पंडा से पंगा लेने का मतलब समझते हो? मुसीबत को न्योता देना। मतलब भुवन पंडा अपनी महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबको वहाँ बुलाता है, नचवाता है, गवाता है, उसके बाद आपको पूजा तक नहीं करने देता, आपको वहां से धक्के मार मार के बाहर निकाल देता है, और आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। चंदन बाबू, आपके कारण भुवन पंडा हमें नल से पानी ना पीने दे और पोखर में कपड़े ना धोने दे। इस गांव का कोई भी बनिया हमें अन्न का एक दाना नहीं देगा। हमें भूखे प्यासे मरने को मजबूर कर सकता है, हम लोग ये सब नहीं चाहते। आप इन सब चीजों का कारण मत बनिएगा डाक बाबू। राजू हमारी बात समझने की कोशिश करो। चंदन तुम एक भोले भाले जवान लड़का हो, काहे उस शैतान के रास्ते का कांटा बनना चाहते हो? जाओ जाकर के उससे माफी मांगो। माफी? उस धर्मी से? आवेश में विवेक मत खो चंदन। कल रात इस लाल बत्ती के आंगन में भुवन पंडा ने बसंती की जो दुर्दशा की है वो हमने देखी है, खून का घूट पी कर रह गए हम। ऊपर आओ और जिस काम के लिए आए हो संपन्न करो और यहां से प्रस्थान करो। महाराज हम अपनी औकात भूल बैठे थे, कल माफी चाहते हैं। इसमें उन वैश्यों की कोई गलती नहीं थी महाराज। वैश्या और देवी में आज के बाद कभी तुलना नहीं करना। लौ अगर बाती के अनुरूप ना चले, अहंकार में भवक उठे तो तत्काल बुझा दिया जाता है। बसंती को अभी एहसास होने लगता है कि तितली और चंदन एक दूसरे के काफी समीप आ गए हैं, उनमें काफी घनिष्ठता हो गई है। दिन में चंदन गांव में घूमते समय हमेशा उस प्रयत्न में रहता है कि कम से कम एक बार तितली से अवश्य मिले। तितली भी चंदन को देखकर इस प्रकार खुश होती है मानो वो उसी का इंतजार कर रही हो। उन दोनों की खुशियों के बीच उनकी उम्र का अंतर भी बाधा नहीं बन पाता, वह मासूम सा लगने लगा है। उसे यह एहसास हो गया है कि चंदन उन मर्दों से भिन्न है जो हमेशा उनके पास आते हैं। बसंती को चंदन की आंखों में हवस, उसके शरीर को पाने का लालच नहीं दिखता जो वो हर मर्द की आंखों में देखती आई है। अब वो चंदन के गुणों और व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध होने लगी है। कभी मजाक करत है, कभी डांटत है, तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते है। आप भी क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में डाक बाबू? कभी जंगल, कभी गांव, तो कभी शहर। नदी कहां का नहीं बहती, तो क्या मानने वालों की नजरों में उसकी महिमा कम हो जाती है क्या? अभी देखो
ये बहती हुई नदी की दिशा, ये आसमान में उड़ते हुए पंछियों की आजादी। अब ये सब देखकर पता नहीं क्यों लगता है जैसे जैसे हम घर आ गए। हम बताएं क्यों? क्योंकि तुम्हें इन सब में अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आती हैं। इसके लिए हाँ तुम ठीक कहते हो ठाक बाबू, लेकिन हमको हमारे लिए कोनो इच्छा नहीं, इच्छा है तो तितली के लिए। ये बात जरूर है, हम तितली को हम जैसी नहीं बनने देंगे। हम उनका भविष्य के लिए एक एक पैसा जोड़त रहे मालूम। उका दुख निगल जाऊं तो हमार जीवन सवर जाएगा। असल में बसंती, हम भी तुमसे ये बात करना चाह रहे थे, उसे यहाँ के माहौल से, यहाँ के लोगों से कहीं दूर भेज दो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार कोई तो होगा। कहाँ डाक बाबू, हम बहुत छोटी सी थी तब हमार माँ गुजर गई। हमार बापू वो ढाक बजाया करते थे गांव में, पर बेचारे वो भी क्या करते, बहुत गरीब थे और शराब की भी आदत थी, तो वो बेचारे हमको बेच दिए। फिर वो भी गुजर गए। उका बाद कोई, अरे जाने दो ना डाक बाबू, आओ तुमको हम एक बात बताएं। तुमको पता है का, हम चाहते हैं तितली पढ़े लिखे, खेले कूदे बिल्कुल तो हर तरह। अच्छा। उको सच्चा प्यार मिले, उकी शादी हो, अच्छा परिवार मिले। डाक बाबू, का हम तितली के लिए ये सब कर पाएंगे? जरूर कर पाओगे, और ये होगा, ये सब एक दिन जरूर होगा। बसंती, हमें माफ करना, हम अपनी औकात भूल बैठे तुम्हें छोकर। अरे छोटे डाक बाबू, क्या हुआ भाई? अरे का है, साइकिल पर तितली और बसंतिया के साथ सैर कर रहे थे, हमने आपको आवाज दिया, कान पर जू तक न रहेगा। वाह छोटे डाक बाबू, हमको चांटा और बसंतिया के साथ सैर सपाटा। देखिए चिंटू जी, आप शरारती बच्चे की तरह हमारी जिंदगी में ज्यादा ताक झाक करने की कोशिश मत करिए, बोले देते हैं। अरे डाक बाबू, ये झाकने वालों में से ना ही है। अच्छा, ये तो लोगों की खुशी में नाचने गाने वालों में से है। डाक बाबू, तो का नाचना गाना आता है का? क्यों, काहे? पांच मिनट पहले तो कह रहे हैं जो कहोगी करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नाच के गाएंगे थोड़ी ना, ना नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बोल ना। वैसे भी आप डाक बाबू का कलाकार ज्यादा लगते हो। अरे डाक बाबू चलो ना मेरे दोस्त, हमारे सबसे अच्छे दोस्त ने बोल दिया। चलिए फिर, अगर ऐसी बात हो तो हम भी कंकर को हीरा और दीपक को सूरज दिखाई देते हैं। चलो आ जाओ। ये बात, पर हाँ, हम गाएंगे क्या? ओ चेताया था मैंने तुझे, नोच लूं तेरी आंखें, काट लूं तेरी जीभ, ये काम मैं एक चुटकी में कर सकता हूं। तेरी चीख कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उस वक्त तेरी कटी हुई जीभ मेरे हाथों में होगी। मुझसे क्या गलती होगी महाराज, मैंने क्या किया? बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है, बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है। तेरा काम है मर्दों के साथ बिस्तर पे चढ़ना। साइकिल पे चढ़ना नहीं। यहां मेरी मर्जी के खिलाफ धूल भी अपनी जगह नहीं बदलती। माफी दे दो महाराज, हमसे गलती हो गई, आपसे पूछे पड़े। कभी ना करे, कभी ना करे महाराज, हमसे गलती हो गई, माफी, गलती हो गई, गलती हो गई। साली कुतिया,
वो डकिया एक ऐसा इंसान है जिसने भुवन पंडा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, वो भी भरी सभा में, जिस पवित्र जगह से भगवान की तरह मैं अपना राज चलाता हूं। बड़ी सुसरी हो रही है ना, बड़ी सुसरी हो रही है, तो यहां नचवा लाल बत्ती में अपने बिस्तर पे, हाँ अपने बिस्तर पे। छी, कितनी दुर्गंध आ रही तेरे शरीर से। भुवन पंडा के निरंतर चलते अत्याचार की दहशत बसंती की कोठरी से लेकर रंगपुर गांव तक गूंजती रही। इस तरह लाल बत्ती और समस्त गांव के लिए वो भगवान बना बैठा है। महाराज, ये लड़का और ये लड़की एक ही गोत्र के हैं। लड़का हमार गांव रंगपुर का है और ये लड़की मोहनपुर गांव की। आगे बोलो। महाराज, एक ही गोत्र के होने के नाते इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का होता है, किंतु इन दोनों ने आपस में विवाह करके निकट संबंधियों के साथ व्यभिचार करने का घिनौना पाप किया है, और उससे भी बड़ा पाप इस लड़की की कोख में पल रहा है। इस 20वीं सदी में हमारा विवाह खुलेआम मोहनपुर गांव में पूरे समाज के सामने हुआ है। अब मोहनपुर गांव में इतनी जागृति आ गई है कि उन्होंने इस विवाह को स्वीकार भी कर लिया, किंतु हमारा रंगपुर गांव कितना पिछड़ा हुआ है। महाराज, भूल तो इन लोगों ने की है और ये भूल का सुधार अब संभव ना हो। ये दोनों को कोई भी सजा देने से उसका बुरा असर तो वो निर्दोष बच्चे पर पड़ेगा जो ये लड़की की कोख में पल रहा है, जो कि गलत होगा। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली। जय काली जगदम्बे, जय काली, जय काली भुवनेश्वरी। सब अपने अपने घर जाओ। Jump in, 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 jump